अगर आप वाइल्ड लाइफ और नेचर से प्यार करते हैं तो कॉर्बेट का नाम सुनकर आपके दिल में तरंगे तो जरूर उठ रही होंगी। तो चलिए आज चलते हैं नॉर्दर्न इंडिया के सबसे फेमस टाइगर रिजर्व और हमारे इंडिया के सबसे पहले नेशनल पार्क यानी कि कॉर्बेट में। पिछले कुछ सालों में मैं कॉर्बेट में कई बार सफारी कर चुका हूँ, लेकिन हर बार मैंने डिकाला जोन में ही सफारी करी है। सो इस बार मैं बिजरानी जोन जा रहा हूँ, जो डिकाला के बाद कॉर्बेट की सबसे पॉपुलर जोन है। जहाँ डिकाला की एंट्री धनगढ़ी गेट से होती है, वहीं बिजरानी जाने के लिए आपको आम डिंडा गेट पर आना होगा। यहाँ पर अपना परमिट चेक करवाने के बाद मैं बढ़ रहा हूँ बिजरानी FRH की तरफ, जो कि आम डिंडा गेट से करीब 7 किलोमीटर दूर है और जंगल के बीचों बीच सिचुएटेड है। बिजरानी जोन में नाइट स्टे की बुकिंग आप कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ऑफिशियल पोर्टल corbettonline.uk.gov.in पर आसानी से कर सकते हैं। डिकाला के मुकाबले बिजरानी FRH की बुकिंग आपको आसानी से मिल जाएगी। बिजरानी का जंगल आपको डिकाला से काफी अलग लगेगा। जहां डिकाला में रामगंगा रिवर आपको सड़क के साथ साथ चलती दिखेगी, वहीं बिजरानी का रास्ता मिक्स्ड फॉरेस्ट से गुजरते हुए आपको FRH तक लेकर जाएगा। बीच बीच में आप रिवर बेड्स क्रॉस करेंगे, जो मानसून आने पर पानी से इतने भर जाते हैं कि इन्हें क्रॉस करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मानसून में ये जोन बंद हो जाती है। जहां तक वाइल्ड लाइफ साइटिंग की बात है, तो वो आपको कहीं पर भी और किसी भी वक्त मिल सकती है। वैसे तो मैंने कॉर्बेट में कई बार टाइगर देखा है, पर मैंने आज तक कॉर्बेट का कोई बड़ा डोमिनेंट मेल टाइगर नहीं देखा है। और मेरे इस कॉर्बेट ट्रिप का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव एक फुली ग्रोन बिग मेल टाइगर देखना ही है। करीब आधे घंटे का जंगल का सफर तय करके मैं पहुंच गया हूँ बिजरानी FRH, जो फर्स्ट लुक में बेहद प्रिस्टीन एंड पीसफुल दिख रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन के मुकाबले ये FRH काफी बड़ा है और इसके चारों तरफ के ये ब्यूटीफुल लॉन्स जंगल के बीच एक लेजर टाइम बिताने के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ अपने रूम में चेक इन करने के बाद मैं अब निकल रहा हूँ आज की अपनी पहली सफारी पर। इस वक्त हमारे साथ खजान नेगी जी हैं, जो हमारे गाइड हैं आज की सफारी के। ये हमारी पहली सफारी है बिजरानी जोन में। टोटल 4 सफारीज का हमारा प्लान है, 2 नाइट का हमारा यहाँ पे स्टे है। मैंने पिछले 7-8 साल में डिकाला की सफारी बहुत बार करी है, तो ये मेरी पहली सफारी है बिजरानी में। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है बिजरानी जोन का। मैंने नाम बहुत बार सुना है, बहुत वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पर बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग हुई है, एनिमल साइटिंग हुई है यहाँ पर। तो नेगी जी, स्वागत है आपका स्टेप इन द वुड्स में। आपका भी वेलकम है सर, कॉर्बेट बिजरानी में आपका। थैंक यू सो मच। हम सफारी स्टार्ट करते हैं, 2 बजे से हमारा सफारी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। और फिर अब देखते हैं अंदर जाके जंगल में क्या मूवमेंट मिलता है। तो यहाँ पे बिजरानी में अभी फिलहाल मूवमेंट कैसी है टाइगर की, खासतौर पर साइटिंग के मामले में? साइटिंग तो हो रहा है। अच्छा जी। बट यह है कि मेल का थोड़ा सा इंटरफेयर ज्यादा है अभी। अच्छा, दिख रहे हैं मेल, दिख रहा है। हाँ, मेल का मूवमेंट है, तो अच्छा, तो फीमेल की सेटिंग थोड़ा उतनी नहीं हो पा रही। अच्छा। और कोशिश करते हैं, कल भी हमें 2 दिन जो पिछला निकल गया उसमें दिखे थे 2 मेल साइट हुए हैं। 2 मेल अलग अलग जगह पे। चलिए। और एलिफेंट्स वगैरह की मूवमेंट है यहाँ? एलिफेंट भी हमें कल शाम को दिखाई दिए। अच्छा, कोशिश करते हैं, देखते हैं जंगल क्या क्या दिखाता है। हाँ। तो 2 बजे से लेकर 6 बजे तक का सफारी का टाइम है। हाँ। यहाँ पे आफ्टरनून का और सुबह का इस वक्त 6:15 बजे चल रहा है। सुबह 6:30, 6:15 से 10:15, तो 4-4 घंटे की सफारी होती है यहाँ पे कॉर्बेट में, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे आपको जंगल एक्सप्लोर करने का काफ़ी मौका मिलता है। और क्योंकि हम बिल्कुल जंगल के बीच में है, बिजरानी के FRH में है, तो चारों तरफ वैसे जंगल है। और यहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात करी तो पता लगा कि यहाँ से भी बहुत बार टाइगर सेटिंग हुई है। तो कई बार यहाँ पे नाइट में आप बाकी जो अलार्म कॉल्स वगैरह हैं तो यहीं से सुन सकते हैं, यहीं से सुन सकते हैं। चलिए, आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एंड आई होप यू आर ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड। तो चलिए चलते हैं, बिजरानी की सफारी करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या मिलता है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब सफारी, जैसे और डेंस पार्ट हमारा किचार रोड जी। पहले इसको चेक करते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी है, बाहर धूप है, तो हो सकता है कहीं पर टाइगर अंदर बैठा हुआ छांव मिल जाए, पानी वानी पीता हुआ ना। हाँ जी। तो टाइगर क्योंकि हॉट ब्लडेड होते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कई बार पानी में बैठते हैं। अच्छा। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं आज का लक कैसा रहता है। बिल्कुल। तो मोस्टली जो मूवमेंट रहता है इसमें टाइगर का, तो क्या है कि एक टेरिटोरियल एनिमल है, तो एक टेरिटरी में रहता है, तो वो बाकी एलिफेंट जो है वो माइग्रेशन में रहते हैं जी। तो कभी कभी आते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत है वो एलिफेंट को, समर टाइम में ज़्यादा रहता है, तो इसलिए माइग्रेशन रहता है। और ढिकाला अगर आप जा रहे हैं इसके मेन पार्ट में, तो वहाँ पे रिजर्वायर वगैरह है, रामगंगा रिवर है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस बनते हैं एलिफेंट के। हाँ, समर में थोड़ा वहाँ पे एलिफेंट स्टिल रहता है जी, बिजरानी में स्टिल नहीं रहेगा क्योंकि माइग्रेशन ज़्यादा है। ओके। यहाँ का जो जंगल है निकी जी, उसमें क्या मिलेगा, मतलब यहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे? बिजरानी का जंगल जो जाती है, मान के चलिए आप, थोड़ा डेंस पार्ट है,
जिसमें किचार रोड हम चल रहे हैं अभी वो डैम से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अलावा छोटे छोटे ग्रास लैंड हैं और रिवर एंड ज़्यादा है, रिवर बेड वगैरह हैं तो रिवर एंड फॉरेस्ट उसको कह सकते हैं आप। तो डिकाला में जैसे ग्रास लैंड में साइटिंग ज़्यादा होती है क्योंकि आपको विजिबिलिटी दूर तक रहती है, तो यहाँ पे कैसे रहता है? यहाँ पे साइटिंग डिकाला की अपेक्षा अभी थोड़ा सा कम है जी, क्योंकि उसका कारण यह है कि थोड़ा सा जो हैबिटेट है वो थोड़ा डिफरेंट है डिकाला के। हाँ जी। और डिकाला में जो चल रही है साइटिंग वो फीमेल है बच्चे वाली। हाँ जी। तो वो मोस्टली उसको फिर हंट करना होता है फिंगरबर्ड, नहीं तो वो साइट हो रही है। यहाँ पे अभी बच्चे वाली टाइग्रेस जो देखी गई थी वो काफ़ी समय से देखी नहीं गई। तो यहाँ पे अभी मेन कितने टाइगर्स की मूवमेंट चल रही है अभी जरानी में? जरानी में जो सफारी ट्रैक के आसपास हमें जो दिखाई दे रहे हैं वो 7-8 टाइगरों का मूवमेंट हम लोग देख पा रहे हैं। और उसमें से मेल फीमेल कितने होंगे? मेल यहाँ पे 4-5 मेलों का मूवमेंट है। अच्छा। और इसी तरह से 3-4 फीमेल हैं जो मूव कर रही हैं, क्योंकि मेल्स के एरिया में थोड़ा फीमेल का भी जो मूवमेंट रहता है वो इतना फ्रिक्वेंटली मूव नहीं कर पाती क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब रहती है ना जी। अब मीटिंग टाइम भी स्टार्ट है लगभग मार्च के आसपास तक भी चल, जब तक ठंड है थोड़ा जी तब तक चलेगा, तो उसके बाद फिर ये टाइगर अलग अलग हो जाएंगे। तो समर में लग रहा है कि थोड़ा साइटिंग बढ़ेगी। अच्छा। और यहाँ पे कोई ऐसा मेल है जो मतलब दिखने में वाकई काफ़ी बड़ा मेल हो? मेल जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं 2 मेल काफ़ी बड़े हैं, बड़े साइज के। और एक मेल जो हमने देखा वो छोटा है जी, वो तो लगभग 3 साल के आसपास का लग रहा है। अच्छा। और बाकी मेल 7-8 साल के जो हैं वो बड़े मेल हैं। 7-8 साल के ये देखिए सफारी शुरू होते ही हमारे सामने जंगल में हमें एक टर्टल मिला, इसको पोन टर्टल कहते हैं। यहाँ पे पहले करीब 4 बैठे हुए थे लेकिन हमारे आते ही एक एक करके 3 वापस पानी में चले गए। पर अच्छा लग रहा है, मैंने ये वाला टर्टल पहले कभी जंगल में देखा नहीं है तो मेरे लिए फर्स्ट साइटिंग है। ये जो आप देख रहे हैं ट्री पे जो स्क्रेचेस देख रहे हैं जी, तो ये बाघ जो है अपना जो टेरिटरी बनाने के लिए, नेल्स को शार्प करने के लिए, अपना जो है बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए जी, कैट का एक हैबिट है वो इस तरह से ट्रीज पे मार्क लगाते हैं और अपनी बॉडी को भी रब करते हैं ट्री पे, जैसे कि उसका जो सेंट है वो कुछ दिनों तक रह पाता है जी, जिससे कि जो दूसरा मेल है या दूसरा टाइगर है इस एरिया में एंटर करेगा तो वो उसकी प्रेजेंस को फील करके वहाँ से हट जाएगा। ओके। क्योंकि अगर आमना सामना होता है तो कई बार फाइट भी हो जाती है, जैसे हम कहते हैं टेरिटरी फाइट, तो इस तरह से फाइट भी कई बार फॉरेस्ट में मिलती है देखने को। तो उसमें क्या है कि इंजर्ड हो जाएगा एनिमल तो ट्रीटमेंट नहीं होता फॉरेस्ट में जी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रूल है, तो जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि वो अवॉइड करते हैं दूसरे को पास आना, तो इसलिए इस मार्क में जो स्मेल है उसको लेके दूसरा जो होगा टाइगर वो हट जाएगा। ओके। उसके एरिया में एंटर नहीं करेगा। सुनेगी जी, जैसे डिकाला में पारवाली ग्रासलैंड फीमेल ऐसे कुछ फेमस टाइग्रेसेस रही हैं या फिर सांबा नाम का पहले टाइगर होता था जो बहुत फेमस हो गया था, तो यहाँ पे बिजरानी में भी कुछ ऐसे टाइगर्स हैं जो काफ़ी फेमस हुए हैं पास्ट में? पास्ट में एक टाइग्रेस दिखाई देती थी जो जिसको शर्मिली नाम रख दिया था। हाँ जी। तो वो टाइग्रेस काफ़ी टाइम तक दिखी। अच्छा। लॉन्ग टाइम उसकी साइटिंग रही यहाँ पर जी, बाद में फिर उसने 4 कप भी दिए। अच्छा। तो 4 के 4 कप उसने बचा लिए। अच्छा। चारों ग्रो हो गए बड़े। हमने वो चारों टाइगर बच्चे और उसकी माँ को 5 टाइगर हाँ एक साथ वाटर हॉल में बैठे हुए और मूव करते हुए ट्रैक्स पे काफी बारी साइड की। तो वो टाइगर अभी है या ना? वो टाइगर तो अब नहीं रही। तो वो टाइगर टाइग्रेस इन पर्टिकुलर काफी फेमस हुई है यहाँ पे। उसके बाद से कोई ऐसी टाइगर्स को बोल्ड टाइगर्स नहीं है मिजरानी जोन में जो ऐसी साइटिंग थे जी। और दूसरा ये है कि अभी उसका जो एक बच्ची थी फीमेल वो जिसका मैं मेल की बात कर रहा था ना आपसे जी, मेल कब उसका एक दिखाई दे रहा है वो जो नया यंगर कब है तो मेल उसी का लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि तो पिछले साल भी हम लोगों ने उसको उसके साथ देखा था। अच्छा। और उसी एरिया में भी उसकी साइडिंग तो वो मे भी हो सकता है उसी का लीटर हो जहाँ वाटर की थोड़ी प्रॉब्लम हो, जहाँ से वाटर थोड़ा दूर हो वाटर सोर्सेज, तो ये मैनमेड वाटर होल है, इनके टैंकर द्वारा भरा जाता है और समर टाइम में जो वाटर रिक्वायरमेंट है एनिमल की वो यहाँ पूरी हो जाती है। अच्छा। कई बार आप बाघ इसमें पानी में बैठा हुआ आराम से रेस्ट करता हुआ दिख जाएगा, मेंटेन करता हुआ देख सकते हैं। ओके। बहुत रेयर चांस होते हैं कि ना देखे समर में, क्योंकि समर में साइटिंग बढ़ जाती है क्योंकि पानी की हर एनिमल को नीड है जी, तो पानी के आसपास मूवमेंट करता हुआ जानवर आपको दिख सकता है। पंजे दिखे
हाँ अच्छा, तो आपको लगा कि शायद वो ये जो बैठने के निशान है यहाँ पे, हाँ हाँ उसके बैठने के निशान बन जाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ये देखिए ये बहुत बड़ा पंजा इस वक्त हमारे सामने है और ये एक मेल टाइगर का पंजा है। आप साइज़ देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफ़ी बड़ा साइज़ का पंजा है ये। देखिए जी, मेल टाइगर का लग रहा है, मेल टाइगर का पंजा है ये। नाइट में मूवमेंट था इसका, तो अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने जब सफारी किया तो ये इस तरफ से टावर की तरफ से एक नंबर की तरफ को मूव किया हुआ। अच्छा, वहाँ से आया है और उस तरफ गया। ये देखिए, इस वक्त जंगल में सिर्फ दो ही जिप्सीज है टोटल, एक हमारी और एक और गेस्ट जो है फरेश में आकर रुके हैं। बिजरानी में 30 जिप्सीज अलाउड होती हैं, तो हमारी कोशिश है कि जब तक वो डे विजिट वाली जिप्सीज जोन के अंदर आएँ तब तक हम जितना जंगल का एरिया कवर कर सकते हैं उतना कवर करें, ताकि अगर कोई टाइगर की मूवमेंट का हमें कोई प्रेजेंस का साइन मिलता है तो उसके हिसाब से हम वहाँ पर वेट कर सकें और टाइगर को साइट कर सकें। यहाँ पे मुझे जो नेगी जी ने बताया उसके हिसाब से जो टाइगर्स हैं वो यहाँ के थोड़े शाही हैं, तो ढिकाला की तरह हो सकता बहुत ओपन साइटिंग ना दे, बट मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सो लेट्स सी अगर टाइगर मिलता है तो कैसा मिलता है और कितनी देर की साइटिंग देता है, आज हमें पता लगेगा। ये हम एक और एरिया में आए हैं और यहाँ पे भी हमें बिल्कुल एकदम मोड़ पे पहले वाले निशानों की तरह ही फिर से निशान मिले हैं, लेकिन ये नेगी जी बता रहे हैं कि ये यहाँ के दूसरे मेल के हैं। ये छोटा मेल है, थोड़ा छोटा है उस पहले वाले से। ओके, और ये कब के पंजे होंगे? ये सब नाइट का ही मूवमेंट है। अच्छा जी, हम देख पा रहे हैं। जी जी जी, डे टाइम का भी कोई फ्रेश मूवमेंट हमें नहीं मिला ऐसा। अच्छा, क्योंकि मॉर्निंग सफारी में भी हम लोग थे जी, मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा था। अच्छा, सुबह भी देखे आपने पहले पंजे? पता चल जाता है जैसे आउटलाइन वगैरह में इसकी क्लियर नहीं है, टूटी हुई है जी, और कंटिन्यूअसली ट्रैक पर अगर पंजा है तो वो फिर फ्रेश है जी। पर ये वाला पंजा मुझे समहाउ, अब ये जो सामने पंजा, ये मुझे फीमेल का लग रहा है, ये थोड़ा इलॉन्गेटेड पंजा नहीं है? मेल के ही है। अच्छा, ओके, एक्चुअली वो आगे वाला पंजा ज्यादा क्लियर है, वो क्लियरली पता लग रहा है मेल का पंजा है। तो डिपेंड करता है कि किस जगह रख रहा है पंजा। इस वक्त हम जिस एरिया में है इसको छोटी फायर लेन बोलते हैं। नेगी जी ने बताया कि पुराने ज़माने में ये रास्ता जो है ये फायर लेन का काम करता था, यानी कि ये डिवीज़न थी फॉरेस्ट के दो हिस्सों के बीच में, ताकि अगर एक हिस्से में आग लगे तो आग दूसरे हिस्से में ना पहुंच पाए। तो ऐसी ही एक और फायर लेन है जिसको बड़ी फायर लेन बोलते हैं। इसकी जो लंबाई है करीब 3-4 किलोमीटर है, और नेगी जी ने बताया कि जो बड़ी फायर लेन है वो करीब 7-8 किलोमीटर लंबी फायर लेन है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जंगल ये इतना सुंदर है कि अगर इसके ऊपर टाइगर साइटिंग हो तो फ्रेम बहुत ही प्यारा बनेगा। तो अभी हम इस एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ पे मेल और फीमेल टाइगर्स की मूवमेंट है, तो लेट्स सी क्या दिखता है हमें। छोटी फायर लेन से अभी हम बड़ी फायर लेन में आ गए हैं, बट अभी तक कोई भी टाइगर प्रेजेंस का साइन हमें मिला नहीं है, अदर देन द पग मार्क्स जो सुबह के थे। कोई अलार्म कॉल अभी तक हमें सुनाई नहीं दी है, तो हम जंगल को एक्सप्लोर करते ही जा रहे हैं कि हमें कोई प्रेजेंस का साइन मिले। ये भी बड़ी फायर लाइन का हमारा जो एक हाई बैंक है ना जी, तो इससे आप दूर तक देख सकते हैं, और इसके पास में लगा हुआ जो है ये ग्रासलैंड है छोटा, तो इसमें ग्रेजिंग के लिए आपका ये हैवी बोरस आ जाता, तो साथ में ही टाइगर भी कई बार हंटिंग के लिए यहाँ पे मिल जाता है, कर सकता है। हाँ, तो कई बार हम लोगों को टाइगर इस जगह से भी साइट हुआ है। तो ये जो नाला बना हुआ है ये भी मॉनसून रेन वाटर का ही है? हाँ, सीजनल रिवर बेड है, बट अभी जो चल रहा है ये स्प्रिंग वाटर है जी, ये साल भर रहता है। अच्छा, समर में थोड़ा सा इसका लेवल डाउन हो जाएगा। अच्छा, अभी काफी पानी है। ओके, अभी हम बड़ी फायर लेन पर ही हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया सो फार हमें कोई भी टाइगर प्रेजेंस का साइन नहीं मिला, कोई अलार्म कॉल कुछ भी नहीं हुआ कहीं पे भी, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। थोड़ी बर्ड्स की कॉलिंग चल रही है, शायद कोई अच्छा बर्ड मिल जाए। अभी यहाँ पे सामने हमें ग्रीन बिल्ड मेल कोहा दिखा, लेकिन पेड़ के अंदर था तो मैं उसके शॉट्स नहीं ले पाया और उड़ गया, तो लेट्स सी अगर कोई अलार्म कॉल आती है किसी एरिया में तो वहाँ पे थोड़ा रुक के टाइगर प्रेजेंस को फील करेंगे और कोशिश करेंगे टाइगर दिख जाए तो।
आप सुन पा रहे होंगे, इस एरिया में वुड एक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। अभी अभी यहाँ पे हमें 2-3 तरह के वुड पैकर्स दिखे हैं। ये इस वक्त हमारे सामने की लेसर येलो नेप वुड पैकर है, बहुत ही खूबसूरत वुड पैकर है ये। इसके हेड पे आप येलो कलर का क्रेस्ट देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा सांबा डियर है, मेल है। उसके सर पे आप एंटलर्स देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा और डेंस जंगल है ये जिसमें से इस वक्त हम निकल रहे हैं। अब जंगल इतना डेंस है तो मेरे चांसेस या मेरी जो होप है टाइगर को साइट करने की, वो काफ़ी कम है यहाँ पे, क्योंकि जनरली इतने डेंस जंगल में टाइगर देखना आसान नहीं होता। बट यह है कि अगर ऐसे एरिया में आपको टाइगर मिल जाए तो जो आपको फ्रेम्स मिलेंगे और जो आपको शॉट्स मिलेंगे वो बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो इसलिए ऐसे एरियाज़ का राउंड लगाना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि शायद आपकी किस्मत अच्छी हो और आपको वो चांस शॉट मिल जाए जिसकी आपको तलाश है। ये इस वक्त हम एक FRH के पास आए हैं, जो कि फॉरेस्ट स्टाफ का ही FRH है। और ये इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे ऐसे ओपन जंगल है। ये सामने जो आपको छोटा सा वाटर होल दिख रहा है, इसमें से आपको बहुत सारा शोर सुन रहा होगा, जो एक्चुअली फ्रॉग्स का शोर आ रहा है। और थोड़ी देर पहले ये हमारे पीछे वाले जंगल से एक स्पॉटेड डियर की कॉल आई है, लेकिन वो एक सिंगल कॉल थी, तो बता पाना बड़ा मुश्किल है कि वाकई वहाँ पे कोई टाइगर प्रेजेंस थी। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे रुके हैं सुनने के लिए कि शायद कोई और कॉलिंग हो, और क्योंकि ओपन जंगल है तो यहाँ पे साइटिंग ईजी होगी, तो बेटर है यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना। यहाँ पे सामने वाले एरिया में कॉलिंग चल रही है स्पॉटेड डियर की, तो अब हम दूसरी साइड पे जाके गाड़ी लगा रहे हैं कि शायद टाइगर उस तरफ निकले, लेकिन यहाँ पे टाइगर की प्रेजेंस कंफर्म हो चुकी है अभी। अब हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं देखने के लिए कि शायद हमें उस साइड से टाइगर दिख जाए। इस वक्त हम वाटर होल 2 पे हैं और यहाँ पे बड़ी परसिस्टेंट कॉलिंग चल रही है। सारी जिप्सीज भी धीरे धीरे यहाँ पे आती जा रही हैं, क्योंकि कॉल पहले थोड़ा सा आगे हो रही थी और अब इस तरफ मूव हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद टाइगर इस वाटर होल के नज़दीक कहीं आ चुका है। ये मेरे पीछे 2 नंबर वाटर होल है, और अगर आप ध्यान से सुने तो पार्किंग डियर की कॉल चल रही है। ये देखिए, तो करीब 10-15 मिनट से इस एरिया में पीछे कॉलिंग हो रही है, लेकिन अभी तक कॉल नज़दीक नहीं आई है, तो हम यहीं पे वेट कर रहे हैं। बाकी सारी जिप्सीज चली गई यहाँ से, लेट्स सी इफ वी गेट लकी। टाइगर की वेट करते हुए हमें दिख रहा है हिमालयन जंगल्स का एक ब्यूटीफुल बर्ड, कॉलेज फीजेंट, जो हमारी तरफ वॉक करते करते हमें अपना बेहद खूबसूरत डांस भी करके दिखा रहा है। इसी के पास हमें इसकी फीमेल भी दिख रही है, जो खूबसूरती में मेल से कम नहीं है। तभी जंगल में से वही बार्किंग डियर निकलकर बाहर आ जाता है, जो थोड़ी देर पहले टाइगर को देखकर कॉल्स कर रहा था। अभी हम थोड़ा सा आगे आए हैं कॉल को फॉलो करते हुए, और दूर वहां अंदर से चीता डियर की कॉलिंग आ रही है, शायद आप सुन पा रहे हो, परसिस्टेंट कॉलिंग है। टाइगर पहले उस एरिया में था, वहाँ से मूव होते होते वो इधर तक आए, और हम भी थोड़ा थोड़ा उसको फॉलो करते हुए बढ़ते जा रहे हैं। टाइगर तो बाहर नहीं आया, लेकिन एक वाइल्ड बोर मिट्टी में कुछ ढूंढते हुए जरूर दिख गया। अब दिन ढल रहा है और सफारी का टाइम भी खत्म होने वाला है, सो हम वापस FRH की तरफ बढ़ रहे हैं, और रास्ते में मिलने वाले स्पॉटेड डियर की फैमिलीज और एक बेहद खूबसूरत इंडियन पीफॉल को अलविदा करते हुए इस ट्रिप की अपनी पहली सफारी को खत्म कर रहे हैं। हमारे पास अभी बिजरानी जोन में 3 सफारी और हैं, और FRH के पास के वाटर होल पर भी परसिस्टेंट कॉलिंग से हमारी उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं।
कि हमें कल की सफारी में टाइगर जरूर दिख जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टेप इन द वुड्स।